नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक वीडियो में। मित्रों, मैं हूं मिस्त्री धर्म सिंह, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS मल्लीवाला में। तो मित्रों, ये कॉमेट इंजन है 5 HP का, इसमें एक प्रॉब्लम आई है, इसने ये गरारी तोड़ दी है। अब ये देखते हैं कि ये दोनों गरारी टूटी हुई हैं इसकी, ये देखिए ये दांते ख़राब हो चुके हैं, ये ऊपर वाली भी स्लिप कर गई है। तो बने रहिएगा वीडियो पर, जानिए कारण ये क्यों टूटी है। पहले इसको हम खोल लेते हैं, बाहर निकालने के लिए इसका रोकर बक्सा हमें खोलना होगा। रोकर बॉक्स खोलने के बाद ही हम कैम शाफ्ट को बाहर निकालेंगे, क्योंकि पुश रोड लगी रहती हैं। अब ये रोकर बॉक्स को हम हटा लेंगे। हटाने के बाद ये हम पंप भी खोलेंगे इसका, और पंप प्लेट खोलने के बाद ही कैम शाफ्ट बाहर निकलती है। तो देखते रहिएगा, हम इसका कारण भी जानकर बताएंगे आपको कि किस लिए इसने गरारियां तोड़ी हैं, क्या कारण हुआ है जिसके कारण गरारी टूट गई हैं इसकी। तो ये कैम हमने ये पंप प्लेट भी अलग कर दिए, ये एक फिक्सिंग बोल्ट होता है जो कैम शाफ्ट को रोकता है, इसको खोल लेंगे पहले। ये देखिए, ये आगे इसकी चोंच बनी हुई होती है जो बुश के होल में फंस जाता है और कैम शाफ्ट को रोकने का काम करता है। ये देखिए, इस तरह से हम निकाल लेंगे अंदर एक हाथ से, जो हमारी बॉडी गाइड होती हैं, यानी ये वॉल टैपिट कहलाते हैं, आम भाषा में बॉडी गार्ड भी बोलते हैं इनको, इनसे निकाल लेंगे। ये देखिए, ये कैम शाफ्ट का एक सिरा घिस चुका है आगे वाला, और ये गरारी आप देख रहे हैं ये बहुत प्ले कर रही है। ये देखिए, ये काफ़ी प्ले कर रही है, काफ़ी हिल रही है, हिलने के कारण ही ये आपस में दांते टकराने से, ये सामने देख रहे हैं आप, ये दांते इसके सारे टूट गए हैं। तो आगे भी देखिए, और भी कारण हम चेक करेंगे, इसका बुश वगैरह भी चेक करेंगे। तो पहले हम गरारी निकाल लेंगे, गरारी को निकालेंगे पहले। ये इसकी जो हैंडल एडी है, हैंडल शाफ्ट को खोल करके फिर इसका सारा सामान हम अलग करेंगे। इस तरह से हम इसको चार बोल्ट खोल करके ये शाफ्ट अलग कर लेंगे। वेट पिन है, ये वेट पिनों की जो स्प्लिट पिन लगी हुई हैं, ये चिरवा पिन, इनको निकाल करके वेट भी हम निकाल लेंगे। ये पिनें इस तरह से निकाल लेंगे ठोक करके। ये देखिए, दूसरी पिन को भी निकाल करके हम वेट अलग कर लेंगे, गवर्नर वेट। ये गवर्नर वेट हमने अलग कर लिए हैं। अब इसके अंदर से ये पुश प्लेट भी निकाल देंगे। ये पुश प्लेट सही है अभी। अब इस तरह से हम, ये देखिए, हमें एक लकड़ी का जुगाड़ मिल गया जिसके अंदर होल है, ये आसान तरीका मिल गया हमें निकालने का। इस तरह से हम बैठा करके इसको हम एक रोड के द्वारा निकाल लेंगे। ये देखिए, ये कैम शाफ्ट निकल गई है। अब ये देखिए, ये बुश भी चेक कर लेते हैं। ये बुश भी इसके अंदर काफ़ी कट चुका है, ये ऊपरली साइड काफ़ी कट गई थी, और ये इसके कैम शाफ्ट का एक अगला सिरा भी ये काफ़ी घिस चुका है, जिसके कारण ये प्ले कर रहा था। अब ये छोटी गरारी को भी हम निकाल कर अलग हटा देंगे। ये देखिए, ये दांते इसके टूटे हुए हैं गरारी के, ये आगे, ये NDF कंपनी की गरारी है, तो ये हम लगाएंगे नई। ये कैम शाफ्ट भी हमने नई मंगाई है, और ये बुश भी नया है बिल्कुल। ये एक गरारी छोटी वाली, क्रैंक गियर भी नया, तीनों चारों आइटम ये हम नए लगाएंगे। ये देखिए, बुश को चेक करते हैं नए वाले को,
देखिए इसमें प्ले नहीं है, उतनी प्ले नहीं है। ये जो छेद है, हम ये जो छेद है हम आगे की तरफ रखेंगे। ये जो अगला वाला छेद है ये आगे रखेंगे और इस तरह से हम कैमशाफ्ट को डाल देंगे, क्योंकि जो छेद होता है ये कैमशाफ्ट को रोकने का काम करता है। इसमें बोल्ट फंस जाता है और ये आगे ही रखा जाए ताकि हमारी गरारी थोड़ी सी बाहर की साइड को रहे। अगर हम इसको पलट के डाल देंगे तो गरारी हमारी अंदर चली जाएगी और बड़ी सही से फिटिंग नहीं हो पाएगा। ये देखिए इस तरह से हम फिट कर लेंगे, इसमें प्ले भी नहीं छोड़ेंगे और इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं रखेंगे। ये बिल्कुल सॉफ्ट घूम रहा है और इसके अंदर प्ले भी नहीं है। अब इसके अंदर हम एक गोली डालेंगे, 3 mm की गोली, ये साइकिल वाली गोली होती है, तो ये गोली डाल देंगे हम। गोली डाल करके अब ये हम पुश प्लेट लगा देंगे। पुश प्लेट लगा करके ये वेट लगाएंगे हम, वेट लगा करके दोनों स्प्रिंग लगा देंगे। अभी एक स्प्रिंग लगा हुआ है, एक स्प्रिंग हम बाद में लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम दूसरी पिन को भी फिट कर लेंगे और इनके दूसरे सिरों में हम पिन लगा देंगे। इस तरह से दोनों में हमने पिन लगा दी हैं और ये सुराख हम इधर रखेंगे, इसके सामने रखेंगे ताकि ये फिक्स हो सके। पहले हम ये वॉल टैपिट अंदर फिट कर लेंगे, एक हाथ से इनको रोक के रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हम लगा लेंगे और सुराख को सामने करके हम कैमशाफ्ट फिट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने फिट कर लिया है इसको और सुराख सामने बैठा लिया है। और अब हम ये फिक्सिंग बोल्ट इसमें फिट कर देंगे और ये अंदर वाला नट टाइट कर देंगे ताकि ये निकल ना सके। और हम अब फटाफट इसको फिटिंग कर लेते हैं। ये पंपलेट लगा दी है, पंपलेट को खींच देंगे इस तरह से। अब हम टाइमिंग बताएंगे आपको। देखिए अब गरारी खोली है तो टाइमिंग भी अपसेट है। इस तरह से हम रोडों के द्वारा, ये जो पुश रोड हैं इनसे हम पता करेंगे सही पोजीशन का। ये देखिए इस तरह से हम गरारी को आगे पीछे हिलाएंगे तो ये बराबर मूवमेंट करें। आगे पीछे हिलाने पर दोनों दाएं बाएं साइड की जो पुश प्लेट हैं, एयर और एग्जॉस्ट वाली जो पुश रोड हैं, ये देखिए बहुत धीरे धीरे हिलाएंगे तो बराबर मूवमेंट करना चाहिए, इनको बराबर हिलनी चाहिए। जब बिल्कुल बराबर मात्रा में ये हिलने लगे तो रोक करके हम ये चाबी जो है, चाबी हम आकाश की ओर कर लेंगे, भील की चाबी, और एक बार और चेक कर लेंगे। ये जो इधर गरारी वाली चाबी है नीचे की ओर रखेंगे। अब इस गरारी को फिट कर देंगे, किसी भी तरह से फिट कर सकते हैं। वैसे जिधर ज़्यादा टेपर है उधर से हमें लगाना चाहिए। इस तरह से हम अब इसको फिट कर देंगे, यहाँ पर हमारा टाइमिंग सही बैठेगा। ध्यान रहे कि हमारे ये गरारी या क्रैंक हिलनी नहीं चाहिए जहाँ हमने टाइमिंग मिला दिया है। इस तरह से हम टाइट कर लेंगे क्योंकि एक हाथ से हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमने ये यहाँ पर एक ये फंसा दी है सलाई ताकि ये घूमे ना और नट टाइट हो जाए। अब हैंडल एडी को भी टाइट कर देंगे इस तरह से चारों बोर्ड लगा करके। अब पंप ठोकर रख देंगे, पहले से ही ये कंप्लीट सेटिंग थी इसकी, ठोकर ओकर में हमें छुआछेड़ नहीं करनी है। तो ये इस तरह से हम पंप को लगा देंगे। अच्छी तरह से टाइट करके पंप को खींच दिया है।
तब हम ये गियर बॉक्स लगाएंगे, इस टापा खींच देंगे गरारी वाला। सारे नट अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ताकि निचले वाले बोल्टों पर काफ़ी हमें फोकस करना होगा, क्योंकि नीचे से ही ज़्यादा लीकेज आने की संभावना रहती है। तो सभी नट बोल्ट इस तरह से हम इसके टाइट करेंगे। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो देखने मिल सकें, और बेल आइकन भी दबा कर रखना। ये देखिए, हमने ये रॉकर बॉक्स को भी फिट कर लिया है। हमने ये पुश रोड इसमें फिट आ जानी चाहिए, ये जो रॉकर स्क्रू हैं इसके इनमें बैठ जानी चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये चारों नट हम इस तरह से टाइट कर देंगे, अच्छी तरह से टाइट करेंगे ताकि लीकेज ना हो सके। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मित्रों। ये देखिए, बिल्कुल पहली बार में ही परफेक्ट स्टार्ट हो गया है। तो मित्रों, बस ये वीडियो यहीं तक, आगे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, स्वस्थ रहो, खुश रहो।